जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरवी एनालिसिस पे। आप पुरुष हैं, आपकी करेंट एज 35 ईयर्स है और आप जानना चाहते हैं खासकर मनी रिलेटेड और आगे की लाइफ किस तरीके से आपकी जाने वाली है, इससे संबंधित आपके सवाल हैं। शुरुआत करेंगे आपके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, राइट हैंड से ही करते हैं और यहाँ से चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले आपकी मणिबंध की रेखाओं को देखेंगे, यहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं। बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें करने को। तो ये पूरे जीवन की आपकी परिस्थितियों का यहाँ पे बखान कर रही है, ठीक है। कमाते जाओ, खाते जाओ, करते जाओ, बस ऐसी सिचुएशन को दर्शाने का काम कर रही है। चलो ऊपर चलते हैं, माउंट एरियाज में क्या कुछ अच्छा मिल जाए उसके बारे में पता करते हैं। सबसे पहले आपके बात हम कर ले आपके जुपिटर के, इस माउंट के जुपिटर का अमाउंट आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये आपको एक नए तरीके से सोचने की और नवीन प्रकार के कार्य करने की प्रेरणा आपको देने का यहाँ पे कार्य करता है, ठीक है। तो चीज़ों को एक होता है ना कि भैया ये पेन ले लो, और एक होता है कि इतनी विशेषता बताएगा उस पेन की कि लगेगा कि इस दुनिया में अब कुछ अच्छा बचा है तो बस वो पेन ही बचा है, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रकृति और प्रभावशाली व्यक्तित्व और पर्सनालिटी कोई आपके अंदर बनाने का कार्य करता है, जिसके कारण आपका आकर्षण सामने वाले को बांधता है और त्रिशूल के जैसी एक स्थिति का निर्माण यहाँ पे होना, और वो भी शनि मुखी अवस्था में, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे आप भागेंगे ना, तो पैसे आपसे उतनी ही दूर भागेगी। आप ठंडे दिमाग से काम लेंगे, नॉर्मल हो जाएंगे और खुश रहना शुरू करेंगे, तो पैसे उसी तरीके से आपके इधर आना शुरू होंगे, क्योंकि उसके बाद आप सही फैसले लेंगे और सही क्षेत्र का चयन करेंगे अपने जीवन यापन हेतु और अपने कार्य क्षेत्र में, यानी कि अपने करियर के लिए। फिर वो आपके लिए बेहतरीन कार्य वहाँ पे करेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सब ठीक ही है। जो गुरु से संबंधित जो चीज़ें हैं, भाग्योदय का भी आपके लिए अच्छा प्रबंध कर ही रहे हैं, और आज से क्या, जब आपकी एज 21 22 रही होगी उसी समय से एक्टिव है, ठीक है। तो उसका भी प्रभाव आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा जीवन में आपके लिए प्रतिष्ठा की स्थिति कोई वृद्धि कर ही रहे हैं। शनि के क्षेत्र की बात करें, ये फिलहाल आपको एक सीमित आय प्रदान कर रहा है, ठीक है। जीवन में जहाँ भी आप होंगे, जो भी कार्य कर रहे होंगे, उसमें एक सीमित आय की व्यवस्था आपके लिए कर रहा है, जिसमें चलो इंसेंटिव आ जा रही है, सैलरी कमीशन बेस्ड आ जा रही है वगैरह, ठीक है। ज़िंदगी चल रही है, बस ऐसी परिस्थितियों को ये बनाने का कार्य करता है, जिसमें थोड़ी प्रेशर भी आपके ऊपर हमेशा बना रहता है, क्योंकि आपको हमेशा अगले महीने की चिंता रहती होगी, पता नहीं अगला महीना कैसा जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा आपके सूर्य के क्षेत्र की बात करें, बहुत सारे क्षेत्रों में कोशिश करी होगी आपने कि ये करे वो करे वो करे, लेकिन कई दफ़े क्या हो जाता है कि इन सब चीज़ों में समय निकल जाता है और फाइनली हम बन क्या जाते हैं, तो सेल्समैन, ठीक है। चीज़ों का विपणन करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की खरीद बिक्री हो, एजेंट का काम हो वगैरह। लाइक आप मेडिसिन के सेक्टर की ले लो, आप इंश्योरेंस के सेक्टर के ले लो, आप इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनी की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसके प्रचार वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, तो इससे संबंधित कार्यों की तरफ ये आपके रुझान को ले जाने वाले हैं, ठीक है। चूंकि गुरु भी समर्थन कर रहा है, तो इस कार्यों में ही आपको आगे तक लगा के रखने वाला है। चूंकि अभी आपकी करेंट एज 35 ईयर्स है, अभी आपके पास एक मौका है बिजनेस में स्टेबल होने का, ठीक है। आप बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं नियर फ्यूचर में, खासकर अगर करना हो तो दो चीज़ें हैं जो स्टेशनरी और इसके अलावा मेडिसिन रिलेटेड अगर आप काम करें तो उसमें आपके लिए बढ़ोतरी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित भी कार्य अगर आप करेंगे अपने जीवन में, तो उसमें भी आपके लिए उन्नति के योग यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। वैवाहिक जीवन कमोबेश बेहतर रहने वाला है, तो किसी भी प्रकार के तनाव वगैरह से बचना आप लोगों के लिए अच्छा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और खुश रहा करें वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आपके मस्तिष्क रेखा की यहाँ की बात करेंगे, निश्चित तौर पे कभी कभी छोटी छोटी गलतियाँ भविष्य में बड़े बड़े मुसीबतों का कारण बनती है। ये जो फेज है ना आपका, ये ऐसा फेज था जिसने आपको भटकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ठीक है। निश्चित तौर पे हमारी ये जो समय 17 18 से लेके और 21 22 की थी, ठीक है, तो वो 4 5 साल का जो टाइम पीरियड था ना, बहुत सारे लोगों का वो टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें बंदा ख़राब हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के बाद में सिचुएशन बेहतर दिख पड़ती है। लेकिन इसमें क्या है कि इसके घाव थोड़े गहरे हैं, तो थोड़ा सा जख्म थोड़े टाइम तक, चूंकि आज के डेट में अब 35 हो चुके हैं और हालांकि ये ख़त्म होने को है, लेकिन इतने समय तक उसने दिए ही हैं।
बीच बीच में क्या होता है, दूसरे ग्रहों का गोचर होगा, परिस्थितियां आएंगी, तो कई दफे आपको काफी फायदा नजर आया होगा, लेकिन वो फिर दूसरे तीसरे मंथ की सोचोगे ना, तो पता चलेगा कि 1 महीने में कमा लिए लाखों, फिर अगले 3 महीने प्लेन चले गए। लाइक ऐसा है जैसे एक दिन हमने खा लिया बहुत तेल मसाला और अगले 4 दिन खिचड़ी खाते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो मिला जुला के वो आ जाएगा एक नॉर्मल इनकम पे ही। तो वैसी चीज़ों को ये आपके लिए दर्शा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा लंबी होती जा रही है। देखो ज़्यादा लंबी हो जाए ना, तो उसी तरीके से आपके कैरियर में जो सिचुएशन है उसको भी और कन्फ्यूजन को भी आपके लिए उसी प्रकार लंबा करके दिखाती है आपको, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपके जीवन रेखा की स्थिति। जीवन रेखा शुरुआत से ही दोमुखी अवस्था में यहाँ पे चल रही है, एक शुक्र के तले में चली गई है और एक चंद्र के क्षेत्र में चली गई है, लेकिन इनकी जो आगमन है वो डगमगा रही है, ठीक है। ये डगमगाना है यहाँ पे अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जब डगमगाएगी तो इसमें क्या होगा, जीवन में जो संतुलन होना चाहिए उस संतुलन से, उस बेस से आपका विश्वास हिल जाता है, खुद पर अविश्वास की स्थिति आपके लिए यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए दुविधा का कारण बनेगा, जिसमें आप सबको खुशी देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं और मानसिक स्तर पर भी खुद को बनाए रखना चाहते हैं बेहतर रूप में, लेकिन उन चीज़ों के बनाए नहीं रहने दे रही है, ठीक है, लड़खड़ा रही है। वो एक तख्ता होता है ना, दोनों तरफ हमारा पैर है और बीच में एक बम्बू है, और पैर का बैलेंस गिरा, किसी एक तरफ हम गिर जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन को ये आपके लिए बना रहा है, ठीक है। भाग्य रेखा की स्थिति थोड़ी विलंब से है लेकिन अच्छी है, तो चिंता की बात नहीं है। दूसरी भाग्य रेखा की स्थिति भी आपके लिए यहाँ पर बन रही है, तो ये अच्छी है। देखो जल से संबंधित कार्य कर लो, या फॉरेन अगर आप सोच रहे हैं आपके अंदर कुछ काबिलियत है तो आप वहाँ के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, आपको वीज़ा मिलने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो आप जाके अपनी चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं, हालांकि उसके योग कम से कम है, बहुत कम है। तो मैं बस एक पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 2% भी किसी चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ आप में है तो बताना मेरा कर्तव्य है, और वो आपके अंदर है, ठीक है। तो आप अगर चाहें भविष्य में अगर उतनी मेहनत करें तो आप उन चीज़ों को पा सकते हैं, अदरवाइज एक तरीके से हाथ से जाता हुआ ही ये दिख रहा है। दूसरे यात्राएं बहुत ज़्यादा है, आप घर पे बैठ के कभी नहीं रहते होगे। आई थिंक कि कम से कम ना पक्का रोज का नहीं मान लो तो मंथली अगर मान के चलो तो 2500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर की रनिंग आपकी होगी फाइनली, ठीक है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में प्रगति की स्थिति आपके लिए बनेगी, लेकिन आपको खुद को उतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि हाँ हम कर सकते हैं, उतना इंतजार कर सकते हैं। हालांकि आफ्टर मैरिज एक काफ़ी मुश्किल सिचुएशन होती है कि हम कोई रिस्क ले या नहीं ले, क्योंकि उस समय होता है कि घर भी चलाना है और स्टेबल भी हो जाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा बचा के आप अगर उसकी तरफ निवेश करें, देखो कारोबार या कोई भी चीज़ें होती है ना, बहुत लोगों के मन में होता है, पूछोगे ना कि अरे आप फलाना काम क्यों नहीं कर लेते, अरे भैया कहाँ हमारे पास पैसे। अच्छा ये बताओ, किसी बच्चे को देखा है आपने, किसी को ऐसा कि 20 साल का ही कोई बच्चा पैदा होता हो? नहीं होता ना, बच्चा तो मतलब वो एक दिन का ही पैदा होता है ना, छोटा सा ही पैदा होता है ना, 2 किलो का ही होता है ना। कोई बच्चा ऐसा हुआ कि 80 किलो का पैदा हुआ हो? कोई ऐसा पेड़ है जो कि मतलब बहुत बड़ा लगाया गया हो? छोटा ही लगाया जाता है ना, छोटा ही बड़ा होता है ना बाद में। इसलिए कभी ये एक्सक्यूज मत लाया करो कि नहीं मेरे पास तो पूंजी ही नहीं है, पैसे ही नहीं, कैसे हम कर सकते। अरे भैया शुरुआत में छोटी ही होती है, क्योंकि शुरुआत में क्लाइंट भी वैसे ही आएंगे, शुरुआत में आपके ग्राहक भी वैसे ही आएंगे, लोग भी उतना ही जानेंगे आपको। जब धीरे धीरे बड़ा होगा लोग भी जानेंगे, चीज़ें आने लगेंगी। तो कभी ये मत सोचो कि नहीं मुझे पूरा बड़ा सा स्टेडियम चाहिए तभी जाके हम क्रिकेट शुरू करेंगे। बच्चे गली से ही शुरू करते हैं तब वहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे। आप वहाँ से शुरू करो ना, वो आपको पहुँचा देगी जगह पे, उसमें ज़्यादा पूंजी भी नहीं लगनी है, ज़्यादा समय भी नहीं लगना है, और फाइनली आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। और शुरुआत गांठ बांध लो, हमेशा शून्य से ही होती है कोई भी अंक। कभी देखा है कि हम चलो बच्चों गिनती शुरू करो, मास्टर साहब 11 12 13 14 15 16, ऐसा होता है क्या? वो बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करते हैं शुरू, ठीक है। तो वहाँ से करना आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। इसके अलावा मंगल की जो यहाँ परिस्थिति है सामान्य, ज़्यादा ही सुनी है, शुक्र अच्छा है, तो भविष्य में आपके लिए होने वाले अच्छे परिवर्तनों को दर्शाता है, जिसमें आर्थिक तौर पे आपकी स्थिति समृद्ध रहेगी। इसके अलावा इस पर कुंभ की जो स्थिति है, सॉरी दीप की जो स्थिति है, ये आपके फेवर में है। इसके अलावा इस भाग्य रेखा के साथ जो वर्ग की स्थिति बन रही है ये भी आपके फेवर में है। ये क्या आ गया, ये भी आपके फेवर में यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो
आपके पक्ष में है ये चीज़ें। आपका एक क्वेश्चन था कि धन कब आएगा। अभी आपकी एज 35 हो रही है, अभी आप जो कार्य कर रहे हैं थोड़े से समय तक अभी आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। धन का प्रवाह बना रहेगा, नकदी प्रवाह जो है ना वो ठीक ठाक चलती रहेगी फिलहाल, लेकिन अगले जो कुछ महीने हैं उसमें थोड़ा आपको और ज़बरदस्त मेहनत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ एक अलग से बिजनेस सेटअप की प्लानिंग आप शुरू कर दें, क्योंकि इसके दूरगामी परिणाम आपको मिलेंगे अगर अभी आप सेटअप नहीं करते हैं कुछ अपने आसपास में, बिल्कुल घर के अगल बगल में। तो क्या है कि इसके जो आगे आने वाले वर्षों में जो कुछ इफेक्ट्स हैं वो आपको प्रभावित करना शुरू कर देंगे नकारात्मक रूप से, ठीक है। तो इसलिए मौका है जिस समय आप अभी उन चीज़ों को शुरुआत करते, ताकि जब आपका समय थोड़ा मुश्किल आए उस समय वो फलदार वृक्ष हो चुका हो और आप मज़े से आमतौर के खा सके, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए बीज पहले लगाने होते हैं। अब कहाँ चले, चलते हैं अब हम बाएं हथेली में, ठीक है। एंड यहाँ से किसे देखें, मणिमंत की रेखा यहाँ पे अच्छी है। देखो एक छोटा सा ना यहाँ पे क्या है, मोल यानी तिल की स्थिति है, ये अच्छी है, ठीक है। तो डेस्टिनी को ये आपको थोड़ा सा बल प्रदान कर रही है, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल चुके हैं। और गुरु की स्थिति ठीक है, अच्छी है। क्लाइंट आपसे प्रभावित होने वाले होंगे, आप जिस भी कार्य में होंगे, ठीक है, और खासकर सेल्स से रिलेटेड कार्य की तरफ ही आपकी रेखाएं भेज रही हैं आपको। इसके अलावा जो रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है ये मन को थोड़ा सा बेचैन करने वाली है। कभी कभी लोभ में भी आप पड़ जाते हैं, कभी कभी बेवकूफ़ी में भी पड़ जा रहे हैं, और परिस्थितियां यहाँ पे आपको उलझाने से बाज नहीं आ रही हैं, ठीक है। देखो उससे क्या होगा कि अपने घर के आसपास अब विभिन्न प्रकार के प्रोविजनल स्टोर वगैरह का आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको फायदा होगा, आपकी वाइफ भी उसमें सपोर्ट कर सकती हैं। इसके अलावा होम बेस्ड कई सारे ऐसे काम हैं जो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे रहेंगे, और अगर आप दोनों पार्टनर मिलकर काम करते हो तो यहाँ पे तरक्की के योग आपके लिए उसी तरीके से बनते जा रहे हैं, ठीक है। शनि की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है, सूर्य यहाँ पे ऊर्जाहीन हो चुका है। मतलब ऐसा है ना कि जैसे सूर्य हो लेकिन लाइट ही नहीं हो, ठीक है, बल्ब हो लेकिन बत्ती बुझी हुई हो, ऐसी अवस्था में यहाँ पे है। तो इसे थोड़ा सा प्रकाशमान करना पड़ेगा। कैसे होगा, जब लोगों की सांस उखड़ जाती है तो उसके मुंह में ऑक्सीजन डालते हैं ना, सांस डालते हैं मुंह से फूंक फाक के, तो फिर सांस में सांस आती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे इसे ऊर्जायमान करना पड़ेगा, जागृत करना पड़ेगा। कैसे जागृत कर सकते हैं, ये आपको पता होगा कि सोया कैसे। आप काफ़ी थके थके सुस्त, जीवन के प्रति निराशा की भावना, मन में कोई भी उल्लास नहीं, कोई भी उमंग नहीं, बिल्कुल बस जिंदगी चली जा रही है खिचड़ी की तरह, कुछ ही मसाला है नहीं, ठीक है, ऐसी हो चली है। उसे एक्टिवेट करें, फिर अपने आप ही एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, अच्छे नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा ना पत्थर पढ़ने से यानी कि स्टोन डालने से, अंगूठी पढ़ने से किस्मत नहीं बदलती, ठीक है। बुध की स्थिति यहाँ पे कैसी है, बुध की स्थिति थोड़ी सी बुरी हो चली है, तो अपनी भावनाओं पर आपका अंकुश नहीं लग पा रहा है। बुद्धि विवेक का सही तरीके से प्रयोग यहाँ पे आपके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है, ठीक है। स्ट्रेस आपके लिए यहाँ पर बढ़ाने का कार्य कर रही है, ठीक है। तो इसके कारण मुश्किल होगी, जो आपके साथ काम करने वाले होंगे, आपके सीनियर होंगे, उनके साथ आपके कुछ परेशानियों को दर्शाने का ये कार्य कर रहा है, कुछ पारिवारिक परेशानियों को भी दर्शाने का कार्य कर रहा है। लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा की तरह डटे रहना है, ठीक है। यहाँ भी दोमुखी अवस्था में उसी प्रकार से आपके लिए चल रही है। देखो ये आपकी जो दूसरी भाग्य रेखा है ना, ये मुझे काफ़ी प्रभावित कर रही है। और जो मैंने बोला था ना कि स्त्री के साथ अगर आपको कार्य क्षेत्र में आपको अगर उनका सपोर्ट मिल जाए तो आप जीवन की तमाम बुलंदियों को छूने की काबिलियत आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों आपस में सहयोग करके, हालांकि उनकी भी प्रिडिक्शन एक बार अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा, और अच्छी तरीके से चीज़ों को क्लैरिफाई किया जा सकता है कि हाँ किस क्षेत्र में आप दोनों की एक कॉमन बेहतरी के योग बन रहे हैं, तो उस आधार पर और चीज़ों को वैसे आपके अकॉर्डिंग भी ठीक ही है, तो उसी हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका सहयोग जब आपको अगर जीवन में मिलता जा रहा है तो बेहतर तरीके से मिलेगा। और वैसे IQ आपका बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हो जाता है ना कि
नहीं, गाड़ी पर भी धूल जम जाएगी ना, तो पुरानी लगने लगती है। तो वैसे ही आपकी जो है सो ये सारी बुद्धि काबिलियत पर जो ये आर्थिक आपातकाल की स्थिति है ना जीवन में, उसने जंग लगा रखी है। तो उसका रंग क्या है कि रियल जो आप हो ना वो दिख नहीं रहे हो, ठीक है? तो वो दिखना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। राहु का क्षेत्र भी ये काफ़ी उभरा हुआ है, इनका उभरना अच्छा नहीं है। इस कारण क्या होता है कि पैसों की भूख बढ़ा देते हैं और पैसे देते ही नहीं, तो ये इश्यूज आ जाती है जो आपके साथ आ रही है। तो आपकी जो प्रिडिक्शन है और जो सवाल है उसका मैंने जवाब दे दिया है, लेकिन उसका कोई ऐसा जवाब मैं नहीं दे सकता तब तक जब तक आप कुछ करे फैसले ना ले करियर को लेकर, ठीक है? अब जैसे ही लेंगे उसके सकारात्मक प्रभाव आपको दिखने लगेंगे। अगर आप नहीं लेंगे तो सारी जो बनी परी रेखाएं ना, ये ऐसे है ना, मान लो आपने कार खरीद ली, लेकिन घूमने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे चलाना पड़ेगा, ठीक है? वैसे ही लगा के और देखते रहोगे तो थोड़ी ना उछल जाएगी, बिल्कुल वैसे ही है। सारी रेखाएं अच्छी अच्छी रेखाएं बन पड़ी है, ठीक है, लाभ की योग दर्शा रही है, लेकिन आपको अब क्या है कि थोड़े से कड़े फैसले लेके मेहनत करनी पड़ेगी। लास्ट का जो आपका 2017, 2018 और 19 जो था ना, आपका बहुत अच्छा भी था, लेकिन लास्ट जुलाई अगस्त से आपके लिए सिचुएशन यहाँ पे बुरी होगी, ठीक है? और ये चीज़ें अभी कंटिन्यू करने वाली है थोड़े टाइम, इसलिए अभी समय है फैसलों पर पहुँचने का, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी सवाल हो, कुछ ना समझा हो, जो समझा हो, थ्रू व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग और सॉरी ऑडियो कॉल आप कर सकते हैं। आपको उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी टू द पॉइंट उनका आंसर किया जाएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।